मंच पर पधारा, अपना वक्तव्य दिया, समय का ध्यान रखा। इसके बाद सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद जी टिंडोर साहब तैयार रहे। जवाब हिल प्रदेश, मैं भाई प्रोफेशन डॉक्टर नहीं वकील हूँ, मैं डॉक्टर डॉक्टर बोल रहे हैं। चलिए पुलिस वाले किधर है, थोड़ा दो मिनट मिला है, बात करना चाह रहे हैं कि नहीं आसपास। 9 अगस्त के दिन कार्यक्रम हुआ था, हमारे समाज के गुरु, आदिवासी धर्म के गुरु भवन दादा ने एक लेक्चर दिया था। उस लेक्चर के खिलाफ एक आवेदन दिया 16 तारीख को। तो मेरा एक सवाल है एसपी एसपी कलेक्टर कलेक्टर से क्या भैया, 9 तारीख को लेक्चर हुआ है, भाषण हुआ आदिवासी दिवस पे, तो तुम्हारी आंखें इतने 9 दिन बाद कैसे खुली? एक्चुअल में जो लेक्चर ये तो 3 साल पहले का है, मैंने भी एफआईआर चेक किया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप पे। तो तुम लोग एसपी और कलेक्टर सुन लेना कि तुम लोग किसके इशारे पर चल रहे हो। अशोक गहलोत के जो विधायक तोड़ते फिर रहे आधे इधर के आधे उधर, ऐसा लग गया कि 1 साल पूरा हो इसके पहले इनका काम डल जाएगा। तो एसपी कलेक्टर तुम्हारा इरादा क्या है? मेरे तो शब्द ही ऐसे भाई, लोगों सुन लेना पुलिस वालों, क्या तुमने आदिवासी समाज के धार्मिक गुरु के साथ में बदमाशी करने की कोशिश की तो हमारी भावना तो भैया आहत हो गई। मैं कपड़े इसलिए पहन के आया, मैंने सोचा पहले जेल में कैसे ये देखे आएंगे आते हुए, तो विचार करके ये आए थे कि भाई अपन तो वहां चले, अपने गुरु के खिलाफ मुकदमा हुआ, रतलाम से ही बेहिसाब बदमाशी करने की सोची थी, वहीं से करते आएंगे। मगर हमारे मांगू दादा ने चमका दिया था फोन करके, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग शांति से ही आए हैं, मगर अभी फिर पता चला छोटा सा कि तुम लोगों ने धाराएं लगवाई है 291 आईपीसी, 504 आईपीसी, 511 आईपीसी और 354 का। अबे पुलिस वालों और कलेक्टर साहब, तुम लोग मूर्ख आदमी हो, तुम लोगों जितने बेवकूफ अधिकारी हमने देखा ही नहीं अभी तक। हमारे गुरु ने बोला कि आप लोग जो है उपवास कम करो तो वजन बढ़ेगा, भूखी मरते हमारे लोग, गलत शिक्षा दी बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने, तो हमारे गुरु जी ने वजन बढ़वाने की शिक्षा दी और तुम लोगों ने बोला कि बाबा जी तो छेड़छाड़ करी 2 तारीख को। अब मूर्खो, बहुत कुछ कहने की इच्छा हो रही है मगर थोड़ा सा धैर्य रख के जा रही हूँ, ये तो ठीक नहीं पड़ेगा। जवाब तुम्हारी ऐसी की तैसी प्रशासन की। धन्यवाद, ये होती है ताकत संविधान की, मालिक का बंदा ऐसे नहीं कहते उनको। इसके बाद में